हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आपके लिए एक और देसी नुस्खा लेकर आया हूँ। ये मेरा देसी नुस्खा उन कबूतरों के लिए है जिस कबूतरों में बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती है या जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। ये उन कबूतरों के लिए है। ये होती है हड़ड़। हड़ड़ ये ब्राउन रंग की हड़ड़ है, तो दूसरी होती है ब्लैक रंग की हड़ड़। ऐसी हड़ड़ इसे बोलते हैं, जो जो ब्लैक रंग की हड़ड़ है उसे बोलते हैं जंग हड़ड़। आपने क्या करना है, ऐसी ब्राउन हड़ड़ लेनी है। अगर आपके पास 10 कबूतर है तो आपने क्या करना है, ऐसी 2 हड़ड़ लेनी है। उसे क्रैश कर लेना है। जब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो आपने उसे 1/2 लीटर, यानी कि मेरे कहने का मतलब आधे लीटर में उसे भिगो देना है। शाम के समय, शाम को अगर आप भिगो देते हो तो सुबह 9 बजे आपका ये देसी नुस्खा जो रेडी हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप ऐसी हड़ड़ इस्तेमाल कर सकते हो तो भी ठीक है, अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हो तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने पहले क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, ये जो 2 स्पून है, आपने क्या करना, ये बड़े वाला स्पून नहीं लेना, छोटे वाला स्पून लेना है। छोटे वाला स्पून इतना लेना है, इतना सा स्पून लेकर आपने आधे लीटर में इसे भिगो देना है रात के समय। सुबह ये 9 बजे आपका देसी नुस्खा रेडी हो जाएगा। लो जी जनाब, आपने कैसे इस्तेमाल करना है इसे, आपने जब कबूतर को देना है, आपने 10 ml cc, जिसका वजन ज़्यादा बढ़ गया है उस कबूतर को देना है। एक बात का ध्यान रखें कि जिस कबूतर का वजन काफ़ी बढ़ गया, आप उसे ये नुस्खा दे रहे हैं, उसे उड़ाना नहीं। उसे ये पानी देकर जहाँ आप कबूतर रखते हैं वहीं दोबारा नुस्खा देकर छोड़ देना, उसे उड़ाना नहीं है। आपने ये नुस्खा कितने दिन, 15 दिन इस्तेमाल करना है। 15 दिन इस्तेमाल करने से आपका जो कबूतर है, जिसके अंदर चर्बी बहुत हो गई, मोटा हो गया, वो दोबारा एकदम फिर फिट हो जाएगा। इसका कोर्स करने का यही एक तरीका है। और एक बात का मेरे का ध्यान जरूर रखें कि कबूतर को वो फेंट वाली दाना मत देना, जैसे सरों हो गया, सूरजमुखी हो गई, अलसी वगैरह हो गया, कि फेंट वाले जो सीड्स है वो नहीं देने। आपने कबूतर को क्या देना है, बाजरा ले लो, गेहूं ले लो, जिसे आप बोलते हैं कनक। बाजरा कैसे आपने देना है, कबूतर को बाजरे को पहले पानी में भिगो लो, उसे भिगो कर उसे सुखा लो, सुखा कर फिर आपने कबूतर को देना है। उससे क्या होगा कि कबूतर का जो पहले वाला वजन है वो और नहीं बढ़ेगा। तो आपने क्या करना है भाई, 15 दिन के बाद कबूतर को फिर छोड़ना। आपका कबूतर आस्ते आस्ते, आज 1 घंटा उड़ा या आपका कबूतर आधा घंटा उड़ा, ऐसे नहीं सोचना कि भाई ये नहीं फिर उड़ रहा। आज आधा घंटा उड़ेगा, जितना उसे आप टाइम दोगे, जितनी उसे आप प्रैक्टिस कराओगे, वो दोबारा जितनी पहली उसकी परवाज थी वो उसी परवाज में फिर आ जाएगा। इस नुस्खे से, इस नुस्खे का फ़ायदा आपको यही है कि जितनी उसमें चर्बी आ गई, जितना वो मोटा हो गया, वो चर्बी भी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा वो फिट हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये नुस्खा
पसंद हो तो आप मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करना एंड लाइक ज़रूर कर लेना ता जो मैं आने वाली वीडियो और भी आपके साथ शेयर कर सकूं। ओके, थैंक्स, बाय बाय।